आप देख रहे हैं देश खबर 24 और हम हाजिर हुए हैं मध्य प्रदेश चुनाव की अपडेट खबरों के साथ। मध्य प्रदेश में 28 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनावों के नतीजे अब धीरे धीरे जारी होने लगे हैं। अभी तक 28 सीटों का रुझान सामने आ चुका है। इसी बीच खबर आ रही है कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा आगे की रणनीति पर चर्चा करने के लिए सीएम हाउस पहुंचे हैं। आपको बता दें कि सरकार बनाने के लिए बीजेपी को मध्य प्रदेश में 8 सीटों को जीतने की जरूरत है। चुनाव आयोग की वेबसाइट के मुताबिक, रुझानों के मुताबिक 28 विधानसभा सीटों में से बीजेपी 19 सीटों पर लगातार बढ़त बनाए हुए है, वहीं कांग्रेस को 7 सीट पर बढ़त मिली है। आपको बता दें कि रुझानों में कांग्रेस चंबल संभाग में अच्छी बढ़त बनाए हुए है, यहां 1 सीट पर बसपा को भी बढ़त है। आपको बता दें कि ये रुझान है, पल पल में तस्वीर लगातार बदलती नजर आ रही है। इन नतीजों से साबित होगा कि 6 महीने पहले खोई हुई सत्ता को कांग्रेस वापस पाने में कामयाब होती है या फिर भाजपा अपनी सत्ता बचा पाएगी। यही नहीं, यह उपचुनाव कांग्रेस से भाजपा में शामिल होने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए भी बहुत ही अहम चुनाव है। आपको बता दें कि 28 में से 16 सीटें सिंधिया के प्रभाव वाले ग्वालियर चंबल क्षेत्र की हैं। इधर माना जा रहा है कि मध्य प्रदेश के इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है जब 28 सीटों पर हुए उपचुनाव पर सत्ता का भविष्य तय करेंगे। मध्य प्रदेश के 19 जिलों में 28 विधानसभा क्षेत्रों में 3 नवंबर को हुए उपचुनाव के लिए मतगणना जारी है। फिलहाल बीजेपी जीत की ओर बढ़ती जा रही है। तो इधर इधर रुझानों के बीच परिणाम भी सामने आने लगे हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखाते हैं, जहां मंधाता में शिवराज सिंह की घोषणाओं का बड़ा असर दिखा है और मंधाता से बीजेपी प्रत्याशी नारायण पटेल ने जीत हासिल कर ली है। आपको बता दें कि चुनावी रुझानों के बीच यह पहला परिणाम मंधाता विधानसभा का है, जहां बीजेपी प्रत्याशी नारायण पटेल ने कांग्रेस प्रत्याशी उत्तम पाल सिंह को 22,000 से ज्यादा वोटों से मात दी है। आपको बता दें कि परिणामों के आते ही बीजेपी में जश्न का अब माहौल है। सबसे ज्यादा खुशी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने इजहार किया है और वह इजहार करते नजर आ रहे हैं। फिलहाल इसी तरह से चुनाव परिणाम से जुड़े अपडेट पाने के लिए बने रहिए तेज खबर 24 में।